Hello friends, we have been talking about kidney failure and the requirement of hemodialysis, yani kidney ko saaf rakhne ka, kidney se jo blood saaf rakhne ka jo system hota hai, usko chalane ke liye we have to do dialysis. Dialysis karne ka best tarika maine aapko bataya, wo hai ek AV fistula, yani ek artery aur ek vein ko haath mein कहीं पर भी उसको हम जोड़ देते हैं जिससे कि हमारी सारी वेन्स प्रोमिनेंट और डिस्प्ले हो जाती हैं और उसके थ्रू आराम से डायलिसिस हो सकता है. अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर हम एक नली डालते हैं गर्दन से जो हमारी मेन खून के नस के थ्रू जाके हमें डायलिसिस करने पे अलाउ करती है, यानी हम उसके थ्रू डायलिसिस कर सकते हैं. नाउ इज देयर एनी अदर वे दैट वी कैन डू दैट वी कैन परफॉर्म समथिंग एल्स सो दैट इन केस इफ द वेन्स आर वेरी स्मॉल, if the arteries are present but not really of adequate size at the wrist, then is there something else that can be done which can allow us to have a fistula or something which is buried under the skin so that dialysis can be done? So there is another procedure and that is called an AV graft. It's a small plastic tube. This plastic tube can be connected to an artery and a vein in the forearm, in this arm, in this area, under the skin, and then this can be used for dialysis. यानी ये tube, plastic की special plastic की tube होती है, जो हम यहाँ artery पे और यहाँ vein पे उसको हम stitch कर देते हैं, anastomosis यानी join कर देते हैं, और ये सब अंदर connect हो जाता है, जिससे कि फिर वो जो plastic की tube है, उस plastic tube को पियर्स करके यानी उसके थ्रू दो नीडल्स डाल के डायलिसिस किया जा सकता है. सो दिस इज एन एवी ग्राफ्ट. ऑफ कोर्स ये किया जा सकता है बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट. द बेस्ट इज ऑफ कोर्स एज आई सेड ऑलवेज अ फिस्टुला, बिकॉज़ अ फिस्टुला इज द वन व्हिच रिमेंस ओपन द लॉन्गेस्ट. दीज ग्राफ्ट्स आर लायबल टू इन्फेक्शन, दे आर लायबल टू ऑक्लूजन, यानी ये बंद हो सकते हैं, इनमें इन्फेक्शन हो सकता है, इनसे ब्लीडिंग हो सकती है, इनमें कभी कभी खून निकल के बाहर आ जाता है. तो इस तरह की कई दफा कुछ चीजों की वजह से ये ग्राफ्ट जो है बंद भी हो जाते हैं और इनका फिर ऑपरेशन करके इनको फिर खोलने की जरूरत पड़ती है. सो इट्स ऑलवेज बेटर इफ वी कैन ट्राई एंड फाइंड अ लोकेशन ऑफ एन एवी फिस्टुला, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज बाय अ गुड डिटेल्ड डॉपलर एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई द बेस्ट आर्टरी एंड द बेस्ट वेन फॉर द बेस्ट फिस्टुला. दैट इज द बेस्ट. सो द स्लोगन ऑलवेज इज fistula first. That means always try and get a fistula made. If there is a possibility, अगर आपको लगता है कि किसी patient को dialysis की जरूरत पड़ने वाली है 2-4-6 महीने बाद, अगर 2-4-6 महीने बाद भी पड़ने वाली है तो better है कि हम आज जब उसको dialysis की जरूरत नहीं है एक fistula बनवा लें, ताकि वो जिस दिन उसको dialysis की जरूरत होगी तब तक वो fistula अपना जोर पकड़ चुका होगा, all the veins will be prominent. Then it can be used for dialysis. So that वो जो needles वाला जो मैंने आपको system जो नली डाल के गर्दन में dialysis किया जाता है, that can be avoided. उसकी ज़रूरत ना पड़े. So this is all about kidney failure, the reasons and उसके क्या treatments होते हैं. Treatment मैंने आपको बताया दो, या तो kidney transplant कराइए या dialysis कराइए. जो लोग dialysis kidney transplant नहीं करा सकते for whatever reason, डोनर नहीं है, पैसे नहीं है या तरीका नहीं है आपके पास कुछ कराने का, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस कराना पड़ सकता है, जिसके तरीके मैंने बताए, या तो नली डाल के सबसे बेस्ट फिस्टुला बनवा के, नहीं तो एवी ग्राफ्ट लगा के. और ये एक दफा जब हो जाता है तब इसके बाद में डायलिसिस आराम से किया जा सकता है.